Hello kids, welcome to class. In this session, we will talk about natural system of classification. अभी तक इससे पहले हमने artificial system study किया था, जहां only one या two morphological characters को study किया to classify the organism. But in case of this natural system of classification, यहां पे a large number of the characters were taken into account for classifying organism. ठीक है, बहुत सारे characters, जितनी information available थी, that was utilized to classify the organism. Then, this morphological gives us an insight about their similarities and dissimilarities. We are able to find a relationship between them. Organisms के बीच में क्या natural relationship है, उस पे study हो सकती है. In this natural system of classification, जहां पे सिर्फ one character नहीं, many characters use किए गए to classify the organism, and we can know कौन सा similar है, कौन सा dissimilar है. We can also give an insight about the homology. होमोलॉगी का मतलब है कौन से प्लांट या एनिमल सिंगल फॉर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, देन किस तरह से वो अपने अपने फंक्शंस के लिए देन मॉडिफाई हो चुके हैं. हाउ दे आर डिराइव फ्रॉम अ सिंगल फॉर्म एंड हाउ दे आर डिफरेंट टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. उनका ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है. हमें उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पता चलती है फ्रॉम दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, से फॉर एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड बियरिंग एनिमल, सीड बियरिंग प्लांट्स के लिए, दैट इज स्पर्मेटोफाइटा. Now, this spermatophyta, Bentham and Hooker ने various characters को study करके दिया है. हर organism को, plant को study किया, then certain set of characters, उनका reproduction देखा गया है, anatomy देखी गई है, but it is not on the basis of their habit and habitat, जो कि natural system था of classifying. कि वो aerial है, कि terrestrial है, aquatic है, इसके basis पे नहीं है. It is on the various characteristics. Say for example, इन्होंने classify किया plant को in monocot, dicots and gymnosperm. So as you know, monocot के अंदर, dicot के अंदर one seed होगा, two seed होगा. इसे study करने से हमें ये पता चलता है कि monocot is primitive than dicot. ये पहले इवॉल्व हुए हैं, मोनोकॉट्स आर प्रिमिटिव. से स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि मोनोकॉट के अंदर जो ऑर्किड फैमिली है, ऑर्किडेसी इज द एडवांस फॉर्म, एंड डाइकॉट के अंदर द एस्टरेसी दैट इज द सनफ्लावर फैमिली इज द एडवांस इन केस ऑफ द डाइकॉट. सो ये हमें इवोल्यूशनरी उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बताती है. बाय लुकिंग एट इट वी कैन से हाउ देयर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हैज बीन. ओके, बट इसका बेनिफिट क्या नहीं है, व्हाट इज दिस बेनिफिट. जिम्नोस्पर्म को उसने क्या किया, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया, जबकि मेजर डिफरेंस हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है, नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स हैं. इनके अंदर ओवरी एब्सेंट होती है, सो एज द फ्रूट विल बी एब्सेंट. जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर व्हाट विल बी हैपनिंग इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो कि ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट है, ये कवर्ड है, ओवरी प्रेजेंट है, और यहां पे फ्रूट फॉर्म होगा. ओके, सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ दिस Bentham and Hooker system of classification. Otherwise, this system is well developed,
क्विक है, इजी है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है, हमें उसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ. वी सॉ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जहाँ पे मेनी कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इट गिव्स एन इनसाइट अबाउट द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग देम. इट गिव एन इनसाइट अबाउट द होमोलॉजी, किस तरह से वो एक सिंगल से ओरिजिनेट होकर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए दे आर कैप्टन टू द वेरियस ग्रुप. वन सच एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इन जिनेरा प्लांटेरा प्लांटेरम, जहां पे इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को क्लासिफाई किया इंटू मोनोकॉट, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म. इसके स्टडी करने से हमें यह पता चलता है कि मोनोकॉट्स प्रिमिटिव है इन कंपैरिजन टू डाइकॉट. मोनोकॉट के अंदर सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है? ऑर्किड फैमिली. डाइकॉट्स के अंदर सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है? सनफ्लावर. एंड सो इट गिव एन इनसाइट अबाउट देयर नेचुरल रिलेशनशिप, गिव्स एन इनसाइट अबाउट देयर होमोलॉजी. आर्टिफिशियल में हमने वन कैरेक्टर लिया था एंड दैट टू हैबिट एंड हैबिटेट. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वी डोंट कंसिडर these two. So it is accepted. I hope you understood. Thank you.